नमस्कार दोस्तों, परीक्षा प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के लेक्चर में, जहाँ तक अभी तक मैंने आपको रजिया सुल्तान पूरा गुलाम वंश में मैंने पढ़ा दिया है, उसके साथ उसके जितने भी भाई और भतीजे थे सबको मैंने बता दिया कि कैसे उनका छोटा सा काल होता है और धीरे धीरे वो सब लोग समाप्त हो जाते हैं। अब उसी में से पूरा एक वंशानुगत जो ये सुल्तान बनने की परम्परा थी वो ख़त्म हो जाती है इल्तुतमिश से जो चलती आई थी। अब यहाँ पर उस जो 40 गुलामों का जो संगठन बनाया था, एक तरह से जो कैबिनेट बनाया था, उसमें से एक व्यक्ति उठ के आता है और सुल्तान की पदवी धारण करता है। मैंने थोड़ा सा इंट्रो आपको दे दिया था पिछले क्लास में कि वो बलबन था। जब नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान बना था तो समझ लो कि वो सिर्फ नाम का सुल्तान था, बाकी कामकाज तो बलबन ही करता था। तो उसी के बारे में हम आज जिक्र करेंगे। और जिक्र करने से पहले आपको मैं ये बता दूँ कि जो इतने भी आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं परीक्षा प्लस टीम के द्वारा, वो सब 10+ कोर्स के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। आपको वीडियो के लिए कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना है। अगर आप इन सभी लेक्चर्स के नोट्स चाहते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 499 का PDF सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा जो 3 महीने तक वैलिड रहेगा। चलिए हम आज के सेशन में बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे बलबन के बारे में। इनके समय काल को देख लो कि इनका समय काल, मैंने बलबन की फोटो भी लगा दी है आप लोगों के लिए कि भैया देख लो बलबन कैसा था। जो इतिहासकार बोलते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कुछ। बलबन का समय काल था 1266 से लेके 1286 तक। अब इसमें भी कुछ लोग, कहीं कहीं किताबों में आपको क्या मिलेगा कि ये जो समय काल है 1266 नहीं 1265 मिल जाएगा, तो वो डिपेंड करता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको डेट मिल सकता है। तो चलो थोड़ी सी बात मैं आपको बलबन के बारे में बता देता हूँ कि होता क्या है कि जो मंगोल होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो ये दास का व्यापार सिस्टम जो चला था उसमें ही ये भी इनके शिकार होते हैं। जैसे सभी लोग बेचे जाते हैं, इनको भी बेचा जाता है। तो मंगोल जो है ये इनको पकड़ के लाते हैं और जहाँ व्यापार का मेला लगता है और जहाँ पे दासों को बेचा जाता है, जहाँ बोली लगती है, वहाँ पे बोली लगती है। काफ़ी ग्रुप में जो है आपके ये गुलाम होते हैं। उसी में एक व्यापारी होता है जमालुद्दीन, ख्वाजा जमालुद्दीन नाम था उसका। वो सभी व्यापारियों को मंगोलों से खरीदता है। अब उसी में सबको जब खरीद लेता है तो ये बच जाते हैं बेचारे। और इनका जो कहा जाता है ये छोटे से नाटे कद के बलबन थे और चेहरा जो था इनका वो उतना सही नहीं था, काफी धाबे धग्गे धाबे थे, मतलब विचित्र सा चेहरा था, तो इसलिए इनकी बोली लगती नहीं है खासकर। तो जब सबको खरीद लेता है वो व्यापारी तो ये ब्लास्ट में बच जाते हैं। तो ये उससे व्यापारी से एक सवाल करते हैं कि भाई साहब, ये गुलाम को आप जो खरीद रहे हैं इसका यूज क्या होता है, क्यों खरीद रहे हैं? तो बताता है जमालुद्दीन कि इन्हें राजा के साथ भेजा जाता है, राजा के साथ इन्हें नियुक्त किया जाता है, ये राज दरबार में इन्हें ले जाके हम लोग देते हैं। तो जब देखें कि भैया हमें कोई पूछ नहीं रहा पूछता है, तो जमालुद्दीन से ये कहते हैं बलबन कि मुझे सिर्फ अल्लाह के नाम पर ही कोई पैसे से जरूरत नहीं है और मेरा जो बेचने वाला भी उसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है मेरे प्रति, तो आप अल्लाह के नाम पे ही मुझे ले लो और लेके चलो। तो वहां से जमालुद्दीन इसे बलबन को लेके आता है और इल्तुतमिश जिस समय आपका ग्वालियर पे अटैक करते हैं 1231 के समय, उसी समय इसको इल्तुतमिश खरीद लेते हैं। और खरीदने के बाद इल्तुतमिश अपने राज दरबार में इसे जो है नियुक्त कर देते हैं। पहले तो ये सिंपल आपका एक जो दरबार में लोग सेवा करने के लिए होते हैं ना दास, वैसे इसे नियुक्ति मिलती है। फिर बाद में जो है इसके काबिलियत को देखते हुए इल्तुतमिश इसे चलीसा में शामिल कर लेते हैं। और चलीसा में भी आपको जो 40 तुर्कों का ग्रुप होता है, अमीर तुर्कों का, उसमें शामिल हो जाता है। तो उसमें भी ये जो है सबसे नीचे पदवी पे रहता है, इन द सेंस कह सकते हो कि सबसे कमजोर एक तरह से दिखने वाला, सबसे एकदम डल पूरा वो कौन रहता है, बलबन रहता है। और कैसे ये बलबन एकदम नीचे में, मतलब 40 तुर्कों में बोला जाए सबसे नीचे पद पे रहते हुए भी और एक सुल्तान की पदवी धारण करता है, वो अपने काबिलियत के बल पे करता है। तो धीरे धीरे ये हर, जैसे इल्तुतमिश मरा, इल्तुतमिश मरने के बाद रजिया बनी, रजिया के बाद बारम शाह जब बनता है और बारम शाह की जब मृत्यु हो जाती है, उसी के बाद से बलबन जो है अपनी शक्तियों को इकट्ठा करता है और साम्राज्य बनाने में लग जाता है। और नसीरुद्दीन महमूद के समय में आप देखे होंगे, मैंने आपको बताया है कि कैसे एक बड़ी शक्ति के रूप में ये उभरता है और जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है और सुल्तान का दावेदार ये बन जाता है। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि पॉइंट करके एक एक डिटेल देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया
कि बलबन इल्तुतमिश का दास था, इल्तुतमिश ने इसे ग्वालियर जीत में, मैंने बताया था उसी समय इसे लिया था। बलबन ने अपने आप को फिरदौसी जो है, जो लेखक है, फिरदौसी में जो लिखा है उसमें शाहनामा जो उसने लिखा है उसमें बलबन ने अपने आप को कहा है क्या, किस वंश का कहा है, अफ्रसियाब वंशज का कहा है, मतलब ईरानी का एक अफ्रसियाब वंशज था, उसी वंशज से अपना ताल्लुक उसने बताया है। ठीक, क्योंकि वो क्या करता था बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो ये अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता था कि मैं बड़े खानदान से हूं, उच्च कुल का हूं। ठीक, उसी वजह से इसने अपने अफ्रसियाब वंशज का बताया है। नसरुद्दीन महमूद के साथ ही इल्तुतमिश के शामसी वंश का जो सफाया होता है, अब तक तो नायब पे आपका पूरा का पूरा नायब मुमलिकात पे काम किया था जब नसीरुद्दीन महमूद रहता है, उसके बाद से आपका 20 साल जो है सुल्तान के रूप में काम करता है। इसे मैं बड़ा कर दे रहा हूं। अब बलबन अपने समय काल में जब से शुरू से जब इल्तुतमिश से था उससे लेके लास्ट तक जब तक सुल्तान बनता है वो किस किस पद पे रहता है उसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि पूछ देगा कि आपका तुर्क, पहले तो आपका तुर्क के चालगामी में था ये जब इल्तुतमिश था, उसी का सदस्य भी रहता है और आपको पोस्ट भी मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो भी चालीसा में रहता है वो चालीसा में तो रहता ही है, साथ ही साथ उसे कुछ ना कुछ पोस्ट राज जो राजदरबार होता था उसमें दिया जाता था। तो किसके समय में क्या ये बना था उसको देख लेते हैं। इल्तुतमिश के समय में तो कोई इसे खासा पोस्ट नहीं मिला था, मगर जैसे ही रजिया बनती है तो रजिया के समय में इसे अमीर शिकार का पोस्ट मिला था। ठीक है, अमीर ए शिकार का पोस्ट मिला था, तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन अगर एग्जाम में कि अमीर ए शिकार का पोस्ट रजिया के सल्तनत काल में किसे दिया गया था, तो किसे दिया गया था, बलबन को दिया गया था। ऐसे ही बहराम शाह के समय में जब रजिया के बाद बहराम शाह आते हैं तो उस समय अमीर ए आखुर का पोस्ट मतलब अश्वशाला का जो है अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया जाता है। उसके बाद से अलाउद्दीन मसूद शाह आते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मसूद शाह में ये अमीर ए हाजिब और उसके बाद से यहीं से इनको मार के ये क्या बन जाता है, नायब ममलिकात बन जाता है। किसके पोस्ट में, किसके समय में, नसीरुद्दीन महमूद के समय में जो है नायब ममलिकात बन जाता है। ये सबसे पावरफुल पोस्ट होता है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम क्या होता है कि आपका सुल्तान की जितनी भी शक्तियां होती हैं समझ सकते हो इसी के पास, इसी के अंडर गाइडेंस में चलती हैं। ठीक, तो ये तो हो गया इनके पोस्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बलबन ने जैसे ही राजगद्दी पर बैठा तो इसने सबसे पहले क्या किया, जितने भी अपने आप को ईरान के वंशज का बताता था तो उसी में इन्हें इसने क्या किया, पूरा का पूरा ईरान के जितने भी परंपरा था, जितना भी वहां पे यूज होता था राज दरबार में, सब कुछ अपने दरबार में करने के लिए उतारू हो गया। और उसी में इसने एक नवरोज उत्सव जो है शुरू कराया, जिसे बोला जाता है कि एक तरह से नए साल की तरह, जो फारसी में ईरानी में जैसे नया साल की तरह बोला जाता है, तो नवरोज उत्सव बलबन ने चलाया था। और आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि नवरोज उत्सव सर्वप्रथम किस सुल्तान ने चलाया था, तो बलबन ने चलाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यहां से इस पॉइंट से क्वेश्चन आपसे पूछता है। उसके बाद जब बलबन सुल्तान बना तो ऐसा तो सिंपल में ऐसा तो नहीं हो सकता, ये सुल्तान बन गया तो इसे किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि भाई अभी तक ये था कि वंश परंपरा थी, इल्तुतमिश के बाद जितने लोग थे उनके वंश के ही लोग बनते आए, मगर अब ये उन दासों के समूह से ये सुल्तान बना था तो विद्रोह तो होना ही था, तो किस किस समस्याओं को इसको सामना करना पड़ा वो देख लेते हैं। जब बलबन शासक बना तो उसे तुर्क ए चहलगानी की महत्वाकांक्षा, मतलब जो चालीसा थी उसकी जो महत्वाकांक्षा थी कि ये कैसे बन गया, बाकी और लोग भी दावेदार हैं, ये सब चीजें लोगों के मन में होने लगी, तो ये इसके सुल्तान बनने के अपोज में हो गए। सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा स्थापित करना, ठीक है, अभी तक जो सुल्तान का जो पद था उसे लोग ऐरा गहरा समझते थे, कठपुतली समझते थे, तो उसकी प्रतिष्ठा को बनाया कैसे बनाया जाए उस पर भी विचार करना, ये समस्या थी। और जो ये लुटेरे थे राजपूत जो विद्रोह करते थे आपके, उनकी जो हमेशा विद्रोह होने करते थे उनको कैसे दमन किया जाए, और मंगोलों का आक्रमण हर बार होता ही रहता था, इल्तुतमिश के समय हुआ था वहां टला था आपके, फिर बहराम शाह के समय में हुआ था, ठीक, उसके बाद से आपके नसीरुद्दीन महमूद के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ था, तो उस आक्रमणों से कैसे बचा जाए, इन सब पे आगे बलबन जो है अपनी नीतियां बनाता है। चलो देख लेते हैं कैसे कैसे समस्याओं का समाधान बलबन करता है। जो तुर्क चालगानी थी, जो चालीसा थी, उसकी महत्वाकांक्षाओं को कैसे कम करता है, क्या करता है, जितने भी लोग होते हैं जो उसमें से बोलते हैं, जो अपोज करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देता है,
उनको मरवा देता है, कुछ लोगों का मर्डर करा देता है। तो ये सब देख के जो उनमें चालीसा में जो रहते हैं लोग, वो भयभीत हो जाते हैं, अरे भाई इससे पंगा लेने लायक नहीं है, ये तो सीधे सीधे बिना कुछ सुने उन्हें क्या कर दे रहा है, सीधे मृत्यु दंड दे दे रहा है। तो इसलिए इस समस्या को उसने खत्म कर दिया। तो इसके जो समय में ज्यादा चालीसा अपने आप को जो है फ्री नहीं महसूस करते थे। ठीक, उसके बाद से जो सुल्तान की प्रतिष्ठा थी उसे कैसे स्थापित करता है, तो उसे करने के लिए ये बलबन ने मुस्लिम में, जो मुस्लिम बलबन का जो मुस्लिम साम्राज्य था, जो राज था, उसमें ये क्या करता है, भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान था, उसने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा के लिए जिले इलाही, मैंने आपको बताया एक तो नियाबते खुदाई और जिले इलाही, दो पोस्ट इसने धारण किया था। तो जिले इलाही का मतलब होता है अल्लाह का देवी प्रकाश, मतलब अल्लाह का ही एक प्रतिबिंब। ठीक, और नियाबते खुदाई का मतलब क्या होता है कि उनकी कृपया, अल्लाह की जो है हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो अपने आप को ही ये अल्लाह के बाद जो है मानता था कि मैं ही हूं सुल्तान, मतलब अल्लाह का ही दूसरा रूप। ठीक, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, जिले इलाही और नियाबते खुदाई किसने उपाधि धारण किया था। उसके बाद उसने जो दरबार था, जो राज दरबार था बलबन का, उसको किस तरह से सजाया था, वो पूरी की पूरी ईरानी जो सभ्यता थी, ईरानी जैसे दरबार लगते थे वैसे ईरानी दरबार की तरह ही इसने अपने दरबार को भी सुल्तान ने जो है सजाया था। और जितना भी जो होता था कि सुल्तान की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ाई जा सके, पूरे दरबार में एकदम शांति का माहौल हो, कोई हंसेगा नहीं, सब सीरियस कैंडिडेट की तरह बैठे रहेंगे। ठीक, ये माहौल उसने उत्पन्न कर दिया था, शराब पे बैन लगा दिया था, हंसना मना कर दिया था, सब लोग एकदम वेल मेंटेन ड्रेस होके दरबार में आएंगे, सुल्तान के वहां बैठेंगे। तो ये सब इसने शुरू किया था। और कुछ ईरानी प्रथाएं जो है उसने शुरू किया था सुल्तान के लिए, कि जब भी कोई सुल्तान से मिलने आए तो कैसे मिले, ऐसे नहीं कि चले आए मुंह उठा के सुल्तान हमें ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन बताओ, ऐसे नहीं, सिंपल से है, जब आपको प्रॉब्लम है तो एक तहजीब से आइए और सुल्तान के सामने अपने प्रॉब्लम को रखिए। वो कैसे रखना है कि जब भी कोई आए दरबार में तो सिजदा करे। सिजदा मतलब क्या होता है कि आप घुटने के बल पर सिर झुकाकर बैठ जाओ और उसके बाद से जो कहना है सुल्तान के सामने वो करो। तो ये परंपरा उसने निकाली कि जब भी सुल्तान के सामने कोई आएगा तो सिजदा करेगा और क्या करेगा, पैबोज। ठीक है, पैबोज मतलब होता है कि सुल्तान के पांव की जो अंगूठा होता था उसे चूमना होता था, तो लेट के सुल्तान के पांव का अंगूठे को चूमना था। तो ये ईरानी परंपरा थी, इसको अपने राज दरबार में बलबन ने लगाया। तो आपसे क्वेश्चन यहां से पूछता है, सिजदा और पैबोज किसने शुरू किया था, तो कौन किया था, बलबन ने किया था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, आपसे ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बार हर एग्जाम में आपसे पूछता है रक्त और लौह की नीति किसने, किस सुल्तान ने अपनाई थी, तो बलबन ने अपनाई थी। ठीक, और एक और पॉलिसी होती है, कौन सी, लौह और रक्त की नीति, ये किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी है। तो यहां कंफ्यूज ना होना, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है आप किसकी है, ये बलबन की है, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की है। ठीक, तो ये इसमें क्या होता था, इसमें ये होता था कि आपको, आपसे अगर एक गलती भी हो जाए तो सुल्तान छोड़ता नहीं था, सीधे सरकलम करा देता था। ठीक है, रक्त और लौह की नीति में जो भी कोई विद्रोह करे, चाहे वो राज्य के अंदर हो, चाहे आपका कोई भी सरदार हो, चाहे जितने राजपूताने थे, जितने भी लोग विद्रोह करते थे, चाहे जितने लुटेरे थे, इन सब के सामने अपने साथ ये अंगरक्षक लेके चलता था, बड़े बड़े एकदम हट्टे कुट्टे तलवार के साथ एकदम रेडी रहते थे, जो भी कुछ उल्टा सीधा बोलता था तुरंत उसका सर कलम। तो इसी का मतलब, आपके पास उसे मौका ही नहीं देता था कि अपने आप को गलत या सही सिद्ध करो, जान गया कि तुम गलत हो तो सही सिद्ध करने का मौका नहीं, सीधे खलास कर देता था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब अगला जो उसका प्रॉब्लम था क्या था, मेवातियों और राजपूत का विद्रोह का दमन करना, कैसे उसका दमन करता है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी मेवाती और राजपूत होते हैं उनके सामने वो वही रखता है, ब्लड और आयरन वाली पॉलिसी मैंने बताया आपसे, कि अगर कुछ भी विद्रोह जहां होता था अपने चार सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जाता था, पूछता था भैया काहे काहे तुम ज्यादा उड़ रहे हो, तो फिर वो कहने लगता है ऐसा ऐसा है, अच्छा ऐसा ऐसा है, बहुत चीज चाहिए तुम्हें,
तो तलवार निकालता था और सीधे सर जो है धड़ से अलग कर देता था। ठीक, तो ऐसे ही जो मेवाती और राजपूत थे जो विद्रोह करते थे, क्या किया कि पूरा का पूरा दिल्ली के आसपास और राजस्थान के आसपास के जितने जंगल थे सबको एक तरफा कटवाना शुरू कर दिया, पूरा सैनिक लगा दिया, जितने लोग मिले सबको एक तरफ से जो है खत्म करना चालू कर दिया। तो ये जो है इस लोगों को जो विद्रोह कर रहे थे इनकी भी समस्या ये खत्म हो गई। इसी विद्रोह में जब सब लोग विद्रोह करते रहते हैं, उधर राजपूत करते रहते हैं, तो इसी में आपको बंगाल के साइड में एक किसी का दास होता है, वो भी क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। जब विद्रोह कर देता है तो आपके बंगाल के जस्ट इधर से आ जाओगे यूपी में अवध में जो है आपके एक नवाब उसका जो सरदार होता है उससे कहता है बलवंत जाओ उनको देखो काहे विद्रोह कर रहे हैं, उनको शांत करो नहीं तो उसके बाद फिर हम तो आएंगे ही आएंगे। तो जब वो जाता है तो वो जो आपका तुगरील खान नाम रहता है बंगाल का जो सरदार रहता है, तो अमीन खान उसका नाम रहता है जो आपका यूपी से जाता है अवध से जाता है, दोनों में लड़ाई होती है और अमीन खान हार जाता है। जैसे हार जाता है अमीन खान, उसके बाद से जब बलवन को पता चलता है कि अमीन खान हार गया है और वहां से भाग आया है, पता है तो उसका क्या करता है सरकलम करा के अवध के जो गेट होता है बाहर उस पर लटकवा देता है कि अगर फिर से कोई ऐसा करे कि भाग खड़ा हो रणभूमि से हार के तो वो क्या होगा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। तो ये सब देखते हुए वहां की जनता के मन में ना सुल्तान के प्रति भय पैदा हो गया जो वो चाहता था। ठीक, बाद में चलो ये हार जाते हैं तो दूसरे को भेजता है तरगी खां, एक होते हैं बलबन के मलिक होते हैं तरगी, वो उनको भेजता है कि भैया जाओ तुगरील को तुम शांत करो जो बंगाल में है। वो भी जाते हैं और तुगरील से मिल जाते हैं वहां पे जाने के बाद, अब वो क्या करने जाते हैं बलबन के साथ विद्रोह करने की दोनों लोग सोच लेते हैं। फिर बलबन अपना पहली बार वहां से दिल्ली को छोड़ता है और उठता है और किधर बढ़ता है बंगाल की तरफ बढ़ता है, फिर वही तलवार लेके निकलता है और दोनों को सरदार अलग कर देता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका बंगाल का जैसे ही सफाया कर देता है तुगरील खान को तो अपने बेटे को बलबन सबसे छोटा बेटा नाम यहाँ पे सरदार बना देता है। ठीक, उसके बाद से वो दिल्ली की तरफ बढ़ जाता है और उसी समय मंगोलों के बाद आ जाए, क्योंकि उसी के बाद दिल्ली की जैसे तरफ यह बढ़ता है मंगोलों का जो आक्रमण है वो होना शुरू हो जाता है। मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए बलबन ने काफी तक जो है लगाया था दिमाग कि कैसे कैसे इनसे बचा जा सकता है, क्योंकि हर बार ये लोग आक्रमण कर ही देते थे पंजाब के आसपास लाहौर के आसपास, तो इसे डर लगता था कहीं दिल्ली तक ना आ जाए। तो दिल्ली तक ना आ जाए उसके लिए बलबन ने क्या किया कि मंगोलों से, ठीक है, जो उनके सरदार थे उनसे एक संधि किया कि ऐसा करो मैं तुम्हें कुछ इसके बदले में दे देता हूं, तुम मेरे पंजाब के पास का जो प्रांत है उसे ले लो और दिल्ली पर ना आक्रमण करना ये मुझसे वादा करो। ऐसा करते हैं, मगर बलबन भी बहुत चालाक होता है एक तरह से ऐसे कि उनके साथ मित्रता का व्यवहार करे, ठीक, उसके बाद से उन पर युद्ध अटैक करे, ये दोनों रीतियों से वो चलता है। तो जैसे ही बलबन, ठीक है, उनको वहां पे ये कहता है कि हम दोनों मित्र हैं अटैक ना करना, मगर वो भी मंगोल लूटपाट करने के लिए हमेशा जो है चालू रहते हैं युद्ध करना, तो ऐसे ही छोटे छोटे राज्यों में अटैक करते हैं मगर दिल्ली तक नहीं आते हैं, वो भी बलबन की बात मान लेते हैं। उसी अटैक में क्या होता है आपका पंजाब के पास, ठीक, उसका जो बेटा है मंगोलों से लड़ता हुआ मर जाता है जो उसका बड़ा बेटा होता है, फिर नाम होता है उसका महमूद, ठीक है, बड़ा बेटा नाम रहता है महमूद, वो उसकी मृत्यु हो जाती है मंगोलों से लड़ते हुए। और उसी के सदमे में आके बलबन जो ये आपका है 1285 की बात में बता रहा हूं आपको, इसी समय मंगोल से एक युद्ध होता है और मोहम्मद जो है मारा जाता है, और इसी पुत्र वियोग में आकर जो है बलबन का जो है 1287 में मृत्यु हो जाती है। तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सुल्तान था जिसके मृत्यु का कारण उसका पुत्र वियोग बना, ठीक है, तो ये बलबन ही था। चलो आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं और क्या क्या है इनके बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसने क्या किया था कि जो राजपूत विद्रोह हो रहे थे तो जंगल कटवाए थे, उसके बाद से सबको घेर के मरवा दिया था, उसी समय इसने हर जगह, ठीक है, जितने भी आपके राजपूत के जगह थे, चाहे जो पंजाब था आपका लाहौर था मुल्तान था, इन सब पे एक एक
कोठियां बना के, वहां पे किले बना के, वहां पे सभी को सेन व्यवस्था की एक बड़ी लंबी सेना जो है रख दिया था हर जगह, क्योंकि जहां जहां विद्रोह हो उसका तुरंत दमन कर दिया जाए, एकदम पता भी ना चले प्रजा के पास, उसकी इंफॉर्मेशन भी ना आए, ऐसे मंगोल का जो आक्रमण हो उन पर भी ये लोग भारी पड़े। तो जो ये सैन्य व्यवस्था बनाया था इनको एक जगह से कंट्रोल किया जाता था सेंट्रल पावर से, तो उसी की वजह से एक इसने संस्था बनाया जो सैन्य व्यवस्था को चलाए, जिसे क्या कहा जाता भैया, दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज। ठीक है, तो दीवान ए अर्ज के तहत क्या होता था, पूरी की पूरी सैन्य व्यवस्था को वो कंट्रोल करता था, पूरा का पूरा एक केंद्र बोल सकते हो, केंद्र से नियंत्रण होने वाली जो है सैन्य व्यवस्था थी। और एक और जो है आपका क्या बनाया, कार्यालय बनाया, जिसका नाम था क्या आपका, दीवाने बारिद। ठीक है, इसमें क्या होता था, गुप्तचर होते थे, गुप्तचर नियुक्त करता था। वो क्या करते थे, वो क्या करते थे, जो बलबन कहता था कि भैया देखो तुम लोग जाओ जनता के बीच में घुल मुल के रहो, जितने अमीर हैं जो मतलब हमेशा हो सकता है कि विद्रोह करके जो सुल्तान की पदवी को पलट दे, सुल्तान को हटा दे, ऐसा कर जो सकते हैं, जिन जो सक्षम है ऐसे लोग, उनमें जाओ, उनके राज व्यवस्था में मिलके रहो, उनकी इंफॉर्मेशन निकालो कि कौन हमारे प्रति षड्यंत्र कर रहा है। ठीक, और जैसे ही पता चले मुझे बताओ, तुरंत उसे खत्म कर दिया जाए। इसीलिए इसने जो है गुप्तचर विभाग बनाया था कि जो भी होंगे गुप्तचर हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन निकाल के लाएंगे कि कोई हमारे समय में विद्रोह की जो है मन में बात भी ना सोचे। ठीक, तो इसलिए इसने क्या बनाया, दीवाने बारिद बनाया। आपसे क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाता है। आ जाते हैं इसके कुछ न्याय के बारे में बात कर लें, क्या इतना क्रूर होते हुए भी ये न्याय करता था कि नहीं करता था। इतिहासकारों के अनुसार बलबन तो क्रूर था मगर न्याय भी करता था। पहले तो बोला जाता है कि आपका फिरदौसी बोलता है, फिरदौसी नहीं, बरनी में, बरनी ने कहा है कि बलबन ने कहा है कि जब भी मैं नीचे कुल वाले व्यक्ति को देख लेता हूं, मतलब जो नीचे कुल के मतलब काम करने वाले लोग होते हैं, उनका अगर मैं कभी देख लेता हूं तो मेरा जो है खून उबलने लगता है और मेरा हाथ जो है तलवार के पास चला जाता है और मन करता है कि इनका सर जो है धड़ से अलग कर दूं, ऐसा बरनी के हिसाब से कहना है। तो क्या ऐसे ही जिसकी सोच थी, क्या वो न्याय अपने जनता के साथ कर सकता है? ठीक, तो कुछ सुल्तान कहते हैं कि नहीं, न्याय के मामले में ये जो है जनता के साथ मिलके रहता था, जो सही रहता था उसके साथ सही करता था, जो गलत होता था थोड़ा सा भी उसे लगता था ना कि ये पॉइंट भी गलत है तो उसे छोड़ता नहीं था। तो जनता के साथ इसका जो व्यवहार था, न्याय जो करने की जो प्रतिक्रिया थी वो अच्छी थी, इसीलिए जो इसके समय में जनता थी वो भी इससे जो है खुश रहती थी, उतना खुश नहीं 100% मगर ठीक ठाक रहती थी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बलबन के समय में जागीरों की व्यवस्था, इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी डिटेल में आपको नोट्स में लिखा हुआ है। इसमें क्या होता था, जो आपको इक्तदार दिया गया था, जो इल्तुतमिश के द्वारा दिया जाता था कि आपको काम करना है राज्य के प्रति, तो एकता दे दिया जाता था, जमीन दे दिया जाता था, उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था, वहीं से आप अपना क्या करो खर्च निकालो और जो बचे वो सुल्तान के खाते में दे दो। तो यहां क्या होता है कि बलबन जान जाता है कि क्योंकि वो उसी में से था, चालीसा में से, तो जानता है कहां कहां भ्रष्ट नेता रहते हैं, तो जो ये एकता दिया जाता था वो लोग हिसाब किताब करके भ्रष्टाचार भी कर लेते थे कि हाँ नहीं इसमें ये खर्चा चला गया, सैनिक मेंटेनेंस में ये चला गया, एडमिनिस्ट्रेशन में ये चला गया, फालतू में पूरी लिस्ट लगा के, जैसे आप लोग आजकल देखते हो सरकारी कामकाज में कैसे भ्रष्टाचार होता है, वैसे वहां भी होता था कि जो पता चले आपकी कमाई इतनी हुई वहां से एकता से जमीन से और उसने खर्च में पूरा का पूरा दिखा के उसके बाद से बैलेंस शीट मेंटेन कर दिया कि भैया प्रॉफिट तो इतने आया है तो इतना तुम ले लो इतना हम ले ले। तो ये सब वो जान गया था कि इसमें चालाकी बहुत चलती है, इसीलिए क्या किया इसने, कुछ अधिकारी वो को उनके ऊपर रखा, इक्तदारों के ऊपर रखा कि वो लोग जाते थे और उनसे पूरा का पूरा ब्यौरा लेते थे, जितने लोग इक्तदार होते थे उनसे ऑफिसर पूरा का पूरा ब्यौरा लेते थे कि आपका भैया बताओ खाता भाई क्या है, कैसा नुकसान है, क्या नहीं है, वो सब मेंटेन देखते थे। और जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका डर उनके पास बना रहता था, एक तो सुल्तान की पावर भी ऐसी हो गई थी उस समय, तो डर लोगों के पास बना रहता था, तो वो लोग भ्रष्टाचार जो है पहले की अपेक्षा अब कम करने लगे थे। यही आपका जहांगीरों के बीच में इनकी जो व्यवस्था थी। अब आ जाते हैं
कि इनके दरबार में इनके समकालीन कौन कौन विद्वान थे उनके बारे में पूछता है आपसे क्वेश्चन में, तो जान लो इन्हीं के समकालीन में अमीर खुसरो थे और कौन था, अमीर हसन थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछे अमीर खुसरो अमीर हसन किसके समकालीन थे, आपसे ऑप्शन दे दे, तो बलबन के समकालीन थे। बलबन की मृत्यु, जो बेटा था उसके मरने की वजह से इसका क्या हो जाता है, तबीयत खराब होने लगता है और डिप्रेशन में जाके इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर से क्या हो जाता है, विद्रोह होने लगता है कि अब भाई सुल्तान कौन बनेगा। ठीक, तो उसी समय ये तो अपने मरने से पहले अपने पोते, क्योंकि इसका जो छोटा बेटा होता है, इसका बड़ा बेटा तो मर जाता है, छोटा बेटा को कहता है कि भैया गद्दी संभाल लो, तो उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है, बुगरा खान नाम रहता है उसका, वो कहता है हम बंगाल में ही सही है, क्योंकि उसे बंगाल को ही सौंप दिया रहता है, तो बंगाल में ही रहने के लिए तैयार रहता है, सुल्तान बनने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो इसीलिए अपने ये बड़े बेटे के जो पुत्र होता है उसको जो है उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है, लेकिन जो दिल्ली का आपका कोतवाल होता है इनके समय काल का, वो इनको क्या करता है कि कहता है कि भैया तुम लाहौर चले जाओ, लाहौर का सरदार बन जाओ, यहाँ पे कैकुआबाद को हम सुल्तान घोषित कर देते हैं। तो वो भी कहने में आ जाता है, सीधा साधा इंसान रहता है और चला जाता है कहाँ, आपका लाहौर चला जाता है, उसका नाम क्या रहता है, कैखुसरो नाम रहता है। तो बलबन ने अपने जितने भी पोते थे ना उनका भी जो नाम रखा था वो सभी ईरानी जो राजकुमार होते थे उन्हीं के नाम के हिसाब से अपने पोतों का भी नाम रखा था। तो कैखुसरो तो चला जाता है आपका कहाँ, लाहौर चला जाता है, और दिल्ली के जो कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद होते हैं वो क्या करते हैं, कैकुआबाद को जो बुगरा खान का जो पुत्र रहता है, जो बंगाल में नवाब आपका सरदार रहता है उनका जो पुत्र रहता है उनको कैकुआबाद नाम रहता है, उसको जो सुल्तान बना देते हैं। जैसे वो सुल्तान की गद्दी पे बैठता है उसे राजतंत्र से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक, और बैठाने वाला कौन था भाई, फखरुद्दीन मोहम्मद था, ये समझ जाता है कि अब सब कुछ मेरे हाथ में, जैसे मैं चलाऊंगा वैसे सब चलेगा, मगर वो भी कुछ ही दिन तक रहता है। इसका जो आपका दामाद होता है वो आता है और इनको पोस्ट से हटा के, जो इनका दामाद निजामुद्दीन रहता है, ये तो निजामुद्दीन जो है नाइब की पोस्ट पे आ जाता है और ये सुल्तान को क्या कर देता है, भोग विलास में लिप्त करा देता है, सुल्तान वहीं व्यस्त हो जाते हैं, उसके बाद से सब कुछ अपने हाथ में पावर ले लेता है और जनता को अपने हिसाब से चलाने लगता है। बाद में जब सुल्तान को इसके बारे में पता चलता है कि ये तो मुझसे भी आगे जा रहा है, तो उसका क्या कर देता है, उसे जहर देके मरवा देता है। उसी समय में क्या होता है कि आपका मंगोल का आक्रमण होता है, मंगोल जो है फिर से एक बार आक्रमण करते हैं भारत पर। उस समय जो है इनके जो पिताश्री होते हैं कैकुबाद के, वो बंगाल से अपनी सेना लेके आते हैं कि भैया पता चले पुत्र है, हार ना जाए, अकेले सिंगल लड़ेगा। तो उसी समय उनकी सहायता के लिए मंगोल आक्रमण जब होता है, सेना लेके पहुंचते हैं, फिर बाद में कैकुआबाद की सेना जो आता है वो तामर खां मंगोल का, उसे हरा देती है। हराने के बाद जब इनके पिताश्री पहुंचते हैं तो बोलते हैं भैया कैकुआबाद बहुत ज्यादा ऐसा आराम में ना जिंदगी जियो, हाँ ठीक है आपके बाबा श्री ने सब जो है दे के गए हैं तो सब फूंक के उड़ा ना दो, पीने खाने में कुछ राज्य के लिए भी कर लो। तो उनको समझाते हैं और समझा के कहते हैं कि ये जो जलालुद्दीन खिलजी हैं इनको अपने साथ ले लो, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा निर्देश देंगे आपको, ठीक है, अच्छा राजतंत्र जो है चलाना आपको सिखाएंगे। मान जाता भैया, पहली बार पिता का कहना मानता है, ठीक है। उसके बाद से जलालुद्दीन खिलजी जो है इनके साथ जो है सैनिक रक्षक बन जाते हैं और इनके साथ काम करने लगते हैं। अब जलालुद्दीन को भी क्या होता है, दिल्ली की जो है सल्तनत की गद्दी दिखाई देने लगती है। जैसे ही क्या होता है, कुछ समय बीतता है तो कैकुआबाद को क्या हो जाता है, इनको लकवा मार देता है, तो ये प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं रह जाते हैं। जैसे ही लकवा मार देता है तो यहाँ के जो एक तो खिलजी जैसे इनका अंगरक्षक बन जाता है, तो वैसे ही वहाँ के जो तुर्क अमीर थे, क्योंकि ये तो तुर्क नहीं था खिलजी, ये अफगान में ही रहते थे लोग खिलजी, तो जिस समय अफगानी लोग आए थे इंडिया उसी समय ये खिलजी वाले भी आ गए थे और इनके दरबार में काम करते थे। तो जो तुर्क सरदार होते हैं उनको नफरत होने लगती है खिलजियों से, तो वो क्या करते हैं कि देखते हैं भैया अब कैकुआबाद को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। उसी समय कैकुआबाद जो है लकवा मार देता है और प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं रहता है, तो जो तुर्क सरदार होते हैं सब मिलकर एक साथ जो है उसके जो पुत्र होता है कैकुआबाद का, जिसका नाम होता है क्यूमर्स, आपको कहीं कहीं मिलेगा और कहीं कहीं ये विवादित है तो आप देख लेना। तो ये क्यूमर्स अगर ऑप्शन रहता है आपके एग्जाम में कि अगर लास्ट सुल्तान आपसे पूछे कि कौन है गुलाम वंश का, तो क्यूमर्स
आप बता सकते हो, अगर ऑप्शन नहीं है क्यूमर्स का तो आप क्या बताओगे, क्या क्यू बाद ही आंसर मारोगे। तो क्यूमर्स को राजगद्दी पे बैठा देते हैं, बोला जाता है सिर्फ 3 वर्ष का था और उस समय इसके गद्दी पे बैठा दिया जाता है। फिर बाद में देखते देखते रहता है आपका कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और एक समय आता है जब इसे भी मार के, और तुर्क जो सरदार होते हैं उनको भी, कुछ लोगों को जो विद्रोह करने वाले होते हैं उनको मारकर सीधे खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो ये तो पूरा का पूरा आपका गुलाम वंश हो गया, गुलाम वंश कैसे समाप्त हुआ, अब खिलजी वंश की स्थापना हुई। तो आगे की हम जो सेशन हम स्टार्ट करेंगे उसमें खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जलालुद्दीन खिलजी कैसे खिलजी वंश की स्थापना करते हैं और कैसे अलाउद्दीन खिलजी जो है इन्हें मारकर फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है एक बड़ा साम्राज्य का जो है दक्षिण तक, जो मैंने आपसे बोला था कि विस्तार करता है अपने साम्राज्य को, तो वो सब हम अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।